नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ आदर्श। पोते को रहने के लिए दिया घर तो उसने घर को ही अपने नाम करवा लिया। जब दादी घर खाली करवाने पहुंची तो पोते ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब यह घर उसका नहीं। पोते द्वारा की गई धोखाधड़ी के बाद दादी पुलिस के पास पहुंची और पोते, उसकी पत्नी और माँ खिलाफ 420 के मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला रीवा के नेहरू नगर का है, जहां शिकायतकर्ता हेमलता सिंह का मकान है, जिसे वो रिश्ते के अपने पोते तोषण सिंह, पत्नी कामिनी सिंह और मां प्रभा सिंह को रहने के लिए दिया था। चूंकि वो छत्तीसगढ़ में रहती है, इसलिए परिवार के लोगों को घर रहने को दिया, जिससे घर सुरक्षित रहें। लेकिन 2013 में तोषण सिंह ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर घर का नामांतरण अपने नाम करवा लिया। 2022 में जब घर मालिक हेमलता ने घर खाली करने को कहा तो तोषण सिंह ने साफ इनकार करते हुए कहा कि घर उसका है, उसके दस्तावेज भी है, इसलिए घर खाली नहीं करेंगे। यह सुनते ही महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में पहले तो घर के सभी दस्तावेज नगर निगम से निकलवाया, जिसमें तोषण सिंह का नाम लिखा था। इसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फर्जीवाड़े की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की, जो सही पाए जाने पर 420 का अपराध दर्ज कर आरोपी पति तोषण सिंह व पत्नी कामिनी सिंह को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वही आरोपी की मां अभी फरार है। अरे तो महेंद्र भैया घर तो बैठे हैं, और कौन जाएगा? हम जाएंगे ना। तुम नहीं जा रहे हो? हैं? ब्रिजेश? तुम है? हाँ मैं। हैं? बैठो। हम हैं। किनारे आ जाएगा, गाड़ी निकल जाएगी। इधर। जा 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 जा। कट कर। आप से बीस का मामला आया था। एक नेहरू नगर का मकान संबंधी विवाद है, इसमें एक हेमलता सिंह है जिनके नाम पर मकान था। वो बेसिकली छत्तीसगढ़ में रहती हैं, तो उनके जो परिजन यहाँ पर रहते थे, तोषण सिंह, कामिनी सिंह और प्रभा सिंह, इन्होंने वर्ष 2013 में उस मकान को अपने नाम पे नामांतरण करा लिया था। इस बात की जानकारी फरियादिका को 2022 में हुई। उन्होंने नगर निगम से दस्तावेज प्राप्त किए और इनके खिलाफ 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। आज तोषण सिंह और कामिनी सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिनको जेआरपी न्यायालय भेजा गया है।